फ्रेंड्स, ये तीन ऐसी गलतियां हैं जो कि आप में से बहुत सारे लोग हर दिन सुबह सुबह करते हो, वैसे तो हर मौसम में, लेकिन खास करके गर्मी के मौसम में सुबह सुबह इन गलतियों के करने के वजह से एक तो पेट्रोल की बर्बादी होती है, साथ ही इंजन के बहुत सारे पार्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई बार इन गलतियों के वजह से इंजन खुलवाना भी पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इन तीनों ही गलतियों की बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग इस वाली गलती की। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह अपने बाइक या स्कूटर के इंजन को स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक इंजन को चालू करके छोड़ देते हैं, इंजन को वार्म अप करते हैं, इंजन को गर्म करते हैं। भाई क्यों करते हो, किस जमाने में जी रहे हो, क्यों पेट्रोल की, पैसे की बर्बादी कर रहे हो, टाइम की बर्बादी कर रहे हो? भाई स्टैंडिंग वार्म अप का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझो और रनिंग वार्म अप करो। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, नो डाउट रात भर में जब हमारी बाइक का स्कूटर पार्ट होती है तो जो इंजन ऑयल है वो इंजन से ड्रेन होके नीचे जो सम्प है, जो क्रैंकेस है, वहाँ पे आके जमा हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंजन का जो लुब्रिकेशन इंजन ऑयल का इंजन के ऊपर भी रहता है, यानी कि इंजन के पार्ट्स के ऊपर में इंजन ऑयल थोड़ा ही सही लेकिन चिपका हुआ तो रहता है। खैर, सुबह सुबह जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो अपने बाइक या स्कूटर के, उसके बाद क्या होता है कि इंजन के अंदर में इंजन ऑयल का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। इंजन ऑयल इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करना शुरू कर देता है और यहीं पे आप गलती कर रहे हो। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक इंजन को गर्म करके मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास BS4 BS3 या उससे पहले का कोई भी बाइक या स्कूटर है तो आप क्या करो कि मैक्सिमम 15 से लेकर 20 सेकंड तक वेट करो, जस्ट 15 से लेकर 20 सेकंड। और अगर आपके पास नई वाली BS6 FI बाइक या स्कूटर है तो जस्ट 10 सेकंड वेट करो, इनफ है। ये जो 10 से 20 सेकंड आप वेट करो, इस बीच में क्या होता है कि इंजन ऑयल का ठीक ठाक लुब्रिकेशन इंजन के अंदर में हो जाता है, इंजन ऑयल का फिल्म जो है, जो लुब्रिकेशन का फिल्म है, वो बन जाता है। और उसके बाद अब आपको करना है रनिंग वार्म अप। आप अपने बाइक या स्कूटर को चलाना शुरू कर दो, लेकिन वेट, यहां पे आप ख्याल रखना शुरुआत के 1 किलोमीटर तक आप जेंटल राइडिंग करो, हाई स्पीड में राइडिंग नहीं करो। शुरुआत के 1 किलोमीटर तक आप ग्रेजुअली आराम से गियर को चेंज करो, 2 गियर 3 गियर 4 गियर में जाओ। साथ ही उसी टाइम पर आप स्पीड को भी ग्रेजुअली 30 40 45 50 तक ही रखो। ज्यादा हाई स्पीड में शुरुआत के 1 किलोमीटर तक मत चलाओ, 50 से कम स्पीड तक चलाओ, 1 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक। इससे क्या होगा कि इस बीच में एक तो इंजन के पार्ट्स को नुकसान नहीं होगा, आपका टाइम भी बच रहा, पेट्रोल भी बच रहा, पैसा भी बच रहा। साथ क्या हो रहा कि चलाते चलाते 1 किलोमीटर में जो इंजन है वो अच्छी तरह से वार्म अप हो जाएगा, इंजन गर्म हो जाएगा, इंजन ऑयल का बेहतर तरीके से लुब्रिकेशन हो जाएगा। और 1 किलोमीटर बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप स्पीड में चलाना पसंद करते हो, जिस गियर में चलाना पसंद करते हो, धीरे धीरे उसे बढ़ाते हुए आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस वाली गलती को करना छोड़ दो, पेट्रोल को बचाओ, पैसे को बचाओ, टाइम को बचाओ। शुरुआत में सुबह सुबह 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक वेट मत करो, 10 से 20 सेकंड जो मैंने आपको बताया गाड़ियों के हिसाब से आप जस्ट इसे फॉलो करो। इससे क्या होगा कि सब कुछ आपका बेहतर रहेगा, इंजन भी बेहतर रहने वाला, ठीक है। वैसे इस तरह की जानकारी मैं हर दिन शॉर्ट्स के जरिए अपने शॉर्ट्स चैनल पे अपलोड करते रहता हूं, हर दिन एक नया शॉर्ट, हर दिन एक नया जानकारी। तो शॉर्ट्स चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, शॉर्ट्स चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग आते हैं दूसरी गलती के ऊपर में। यहां पर लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह इंजन को स्टार्ट करने के बाद एकदम से थ्रॉटल ब्लिप करते, एकदम से एक्सेलरेटर लेते और बार बार लेते रहते हैं। और अगर वो 2 मिनट 3 मिनट तक वार्म अप कर रहे तो बीच बीच में थ्रॉटल ब्लिप करते जाते करते जाते करते जाते, भाई ये वाली गलती एकदम करना छोड़ दो, किसी भी मौसम में मत करना, ये बहुत बड़ी गलती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इंजन ऑयल नीचे ड्रेन होकर क्रैंकेस में आ जाता है, तो एकदम जब सुबह सुबह जब इंजन को स्टार्ट करने के बाद थ्रॉटल को ब्लिप करते हो, एकदम तेज एक्सेलरेटर लेते हो, आरपीएम को बढ़ाते हो, तो इससे क्या होता है कि इंजन के अंदर में आरपीएम बढ़ने के साथ साथ इंजन के बहुत सारे मूविंग पार्ट से इनका आपस में फ्रिक्शन, जो घर्षण है, वो भी बढ़ जाता है। पार्ट्स का वेयर एंड टियर है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंजन ऑयल सही से तब तक इंजन के सभी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता है या सही तरीके से लुब्रिकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो इसी बीच में सुबह सुबह जो बार बार आप थ्रॉटल ब्लिप कर रहे हो, उसके वजह से पार्ट्स में फ्रिक्शन, वेयर एंड टियर की वजह से पार्ट्स के डैमेज होने का चांसेस होता है। कई बार तुरंत डैमेज नहीं होगा, लेकिन हर दिन सुबह सुबह ये वाली गलती आप जब करते जाते हो तो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम होता है। और मैं कई बार आपको समझाता हूं कि जब आप मैकेनिक के पास जाते हो कि देखो ना इंजन में यह प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, ये साउंड आ रहा है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मैकेनिक नहीं पकड़ पाता है। मैकेनिक आपसे पूछता भी नहीं कि क्या सुबह सुबह आप थ्रॉटल को ब्लिप करते हो, उसे क्या लगता है, उसे भाई बस काम करना है और आपको काम करवाना है। तो जस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सुबह सुबह कभी भी ये वाली गलती को नहीं करें, इंजन को स्टार्ट करने के बाद एकदम से तेज थ्रॉटल ब्लिप नहीं करें। और बहुत से लोग यहां पर कॉमेंट करने लगते हैं कि भाई अगर हम इंजन को स्टार्ट करते और थ्रॉटल ब्लिप नहीं करते तो इंजन बंद हो जाता है। अभी जो इंजन बंद हो जा रहा है, ये कई अलग अलग कारणों से होता है। हो सकता है कि जो आईडी
आइडलिंग आरपीएम है वो सही से सेट नहीं हो, कार्ब्यूरेटर, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, बहुत सारे पार्ट्स जिसके प्रॉब्लम के वजह से, स्पार्क प्लग वगैरह भी है जिसके वजह से ये होता है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करा लो, ना कि हर दिन सुबह सुबह इंजन को इस तरह से बर्बाद कर दो। तो इस वाली गलती को भी आप करना छोड़ दो। अब हम लोग आते हैं थर्ड गलती के ऊपर में, ये भी बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग करते ही है कि सुबह सुबह इंजन को स्टार्ट करते हैं और पता नहीं भाई अपने कॉलोनी में अपने मोहल्ले में दिखाना कि भाई मेरे पास कौन सा बाइक है, कौन सा स्कूटर है, उसका रोरिंग का आवाज, वो क्या करते हैं कि सुबह सुबह जो जर्नी को स्टार्ट करते हैं, इंजन को स्टार्ट करने के बाद एकदम से लो गियर में, एक या दो गियर में एकदम से फुल थ्रॉटल लेते हुए, फुल एक्सेलरेटर लेते हुए हम चलाना शुरू कर देते हैं। पर ये भी बहुत बड़ी गलती है और इनसे भी इंजन के बहुत सारे पार्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। सुबह सुबह भाई ऐसी गलती मत करो, इंजन ठंडा होता है, इंजन ऑयल का सर्कुलेशन सही नहीं होता, ऐसे में इंजन को स्टार्ट करने के बाद जो तुरंत एकदम भगाना शुरू कर देते हो हाई स्पीड में, इससे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि पार्ट्स में फ्रिक्शन, पार्ट्स में वेयर एंड टियर, पार्ट्स का फेलियर, इंजन का लाइफ भी कम हो जाता है, इंजन से परफॉर्मेंस, माइलेज ड्रॉप सब हो जाता है। तो सुबह सुबह इस वाली गलती को भी मत करो। ऐसा नहीं कि भाई मोहल्ले में पता नहीं क्या दिखाना है क्या है, वो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो जस्ट आपको राय दूंगा कि सुबह सुबह भाई जब जर्नी को स्टार्ट करो तो आराम से करो, स्लोली गियर को ग्रेजुअली चेंज करो, आराम से एक गियर, दो गियर, तीन गियर, चार गियर मिल जाओ और उसी के अकॉर्डिंग स्पीड भी शुरुआत के 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक आप बढ़ाओ। तो इससे क्या होगा कि लंबे समय तक सुबह सुबह इन गलतियों को नहीं करने की वजह से इंजन बहुत ही हेल्दी रहेगा, बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म भी करेगा और लंबे समय तक आपको अपने बाइक या स्कूटर के इंजन को नहीं खुलवाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।